कि इनेलो की जो रैली है इसमें जो कार्यकर्ता है किस प्रकार से रंग बिरंगे जो अपने जो देखिए क्या लिखा हुआ है मदन लाल आसन लिखा हुआ जी क्या कहना चाहेंगे आपने जो खुशी है आपने पूरे आपने जो बदन के ऊपर जो रंग लगाया है हरा तो क्या कहना चाहेंगे आप रैली को लेकर के देखिए जननायक ताऊ देवीलाल ने हमारे दिलों के अंदर एक ऐसी जगह बनाई है उन्होंने छत्तीस बिरादरी के काम किए हैं और जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं आज जो आने वाले समय में समस्त लोग छत्तीस बिरादरी जननायक ताऊ देवीलाल के परिवार के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो पौधा लगाया है उसको छत्तीस बिरादरी अपने खून से सींचने का काम करेगी और जो सन 87 में जो लहर बनी थी INLD की जननायक ताऊ देवीलाल को जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब को जनता ने एक तरफा मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था अब की बार जनता अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड अब की बार सन 87 वाले इतिहास को आने के लिए जा रही है और छत्तीस बिरादरी तन मन धन से और खासतौर पर दलित समाज के हीरो बन चुके माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब और माननीय अजय सिंह चौटाला साहब भाई अजय सिंह चौटाला साहब इन्होंने समस्त लोगों के दिलों में जगह बना ली है और समस्त लोग छत्तीस बिरादरी के लोग जननायक ताऊ देवीलाल के परिवार को दिल से चाहते इन्होंने जो भी घोषणाएं की है वो छत्तीस बिरादरी के लिए एकदम बिल्कुल ऐतिहासिक घोषणाएं की है यही ऐसा परिवार है जो छत्तीस बिरादरी का काम तन मन ढंग से कर सकता है और न हमारा कोई कार्य कांग्रेस सरकार कर सकती है न ही हमारा काम कोई बीजेपी सरकार कर सकती है बीजेपी सरकार को देखो 35-36 का नारा दिया है कांग्रेस सरकार को देखो आरक्षण के नाम पे दुनिया में आग लगा दी है सारा देश डूब दिया इसलिए सब लोगों ने मन बना लिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब को 2019 में मुख्यमंत्री बनाना है ताऊ देवीलाल हमारे है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब जिंदाबाद जिंदाबाद।